सलाम देखने वालों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज की इस वीडियो में मैं 150 के पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ। ये पीसी मैंने खुद अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्ड किया था। अगर आप इस पीसी के एक एक पार्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मौजूद है। मैंने बड़ी डिटेल से अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया हुआ है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पीसी बिल्ड की। तो प्रोसेसर मैंने इंटेल का i5-10400F परचेज किया था। अब ये प्रोसेसर 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ आता है। इसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी 4.3 गीगाहर्ट्ज़ है और इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.9 गीगाहर्ट्ज़। और ये पाकिस्तान में मुझे 32,000 का पड़ा था। इसके बाद बारी आती है मदरबोर्ड की। अब मेरा मदरबोर्ड है MSI का H510 Pro E। अब ये मदरबोर्ड इंटेल की 10th और 11th जेन दोनों को सपोर्ट करता है। तो खैर, इस मदरबोर्ड की जो प्राइस थी वो मुझे 18,000 का मिला था ऑनलाइन। तो तीसरे नंबर पर आती है हमारे कंप्यूटर की रैम। अब रैम मैंने 16 GB इस्तेमाल की हुई है कोर्सियर की वेंजेंस, जिसकी CL रेटिंग 16 है और इसकी स्पीड 3200 MHz। अब ये पाकिस्तान में मुझे 14,000 की पड़ी थी जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। अब हमारे पीसी के सबसे महंगे कंपोनेंट की बात करते हैं, जिसने तकरीबन हमारे पीसी का 33% बजट इस्तेमाल किया, वो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। अब मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया वो एनवीडिया का 1650 सुपर ग्राफिक्स कार्ड है। अब अगर इस ग्राफिक्स कार्ड के स्पेक की बात की जाए तो मेरा ग्राफिक्स कार्ड GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। इसका मेमोरी बस 128 बिट है। ये भी एक बजट क्लास से बहुत अच्छा GPU है। और हमारी पूरी बिल्ड के अंदर यही एक चीज़ है जो मैंने यूज परचेज और आप भी यूज परचेज कर सकते हैं, वरना आपका बजट 150 के से ऊपर जा सकता है। कंप्यूटर के अंदर मैंने हार्ड ड्राइव इस्तेमाल नहीं की बल्कि उसकी जगह मैंने SSD इस्तेमाल कर लिया और वही बूटेबल SSD है। पर आपको भी इतनी महंगी बिल्ड के अंदर कम से कम एक SSD इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने 450 GB की SSD इस्तेमाल की है जिसकी प्राइस मुझे कोई 14,000 पड़ी थी। अब लास्टली उस कंपोनेंट की बात करते हैं जो हमारी सारी की सारे कंपोनेंट्स को पावर देगा, और वो हमारी पावर सप्लाई जो मैंने GigaByte की परचेज की थी ऑनलाइन। इसका मॉडल P550 है। ये 550 वाट की एक पावर सप्लाई है और ये मैंने तकरीबन 7,000 की ली थी। तो ये थी मेरी पीसी बिल्ड और ये काफ़ी अच्छा पीसी है। मैंने अभी तक काफ़ी, मैं 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग करता हूँ और वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, और उन सब के अंदर इसने मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।